तो सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मेरे पास आया है एवेंजर बजाज कंपनी का 220 सीसी वाला मॉडल। और इसमें एक मैकेनिक ने काम किया है। काम करने के बाद बाइक का साउंड क्वालिटी बेहतर से बेहतर नहीं आ रहा है, साउंड क्वालिटी ख़राब आ रहा है। तो आज आप लोगों को बताऊंगा, अगर इंजन करें तो हम लोग जैसे कि जिसमें कि साउंड अगर ख़राब आए तो क्या क्या चीज़ को गौर करें। तो इस बाइक में फिलहाल सब कुछ ठीक है, कुछ सेटिंग गड़बड़ किया है और कुछ पार्ट्स हम लोगों को अलग से लगाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इग्निशन ऑन करता हूँ। बंद करते हैं। तो गाइस, आप लोगों ने देखा एकदम बिल्कुल सही 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 कर रहा है, जैसे खा 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 कर रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि क्लच चैम्बर खोलेंगे, खोलने के बाद अंदर होता है हम लोग का एक जैसे कि सीजर गियर होता है और बैलेंसर होता है। तो उसमें कितना पाक दिया है या बैलेंसर हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे और जैसे कि डिसाइड करेंगे। उसके बाद आप लोगों को बताऊँगा जो एक्चुअली इस बाइक में क्या लगाने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग दिखाते हैं, खोलते हैं। तो गाइस, ये है हम लोग का सीजर गियर। तो सीजर गियर हम चेकअप करेंगे जो कितना पाक पे दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखेंगे, एक दो, तो तीन पाक पे रखा है गाइस, तीन पाक पे, ठीक है। और इसे कितना पाक पे रखा है देखिए, एक दो, ये भी तीन पाक पर है। क्यों, कंपनी सेट जो है ना अभी ढीला हो गया है, अगर नया हम लगाए तो जैसे कि इस तरह से रहेगा, ये प्ले हो चुकी है। तो ये सीजर गियर नहीं चलने वाला है। तो हम लोग चेकअप करेंगे जो बैलेंसर हम लोगों का सही है या ख़राब है। तो गाइस, ये है हम लोगों का बैलेंसर, इसे बैलेंसर कहते हैं। और काफ़ी सारे मैकेनिक और जैसे कि कोई आदमी जैसे कहते हैं इसे बैलेंसर। तो बैलेंसर हम लोग का ये है और ये हम लोग का सीजर गियर है, सीजर गियर हम लोग चेंज करेंगे। तो गाइस, यहाँ देखिए बैलेंसर में हम लोग का थोड़ा लोड हो चुकी है और नाखून से हम लोग चेकअप कर रहा है। तो ये हम लोग का जैसे कि थोड़ा हम लोग को लग रहा है ये बैठ चुकी है, तो हम लोगों को बदलना पड़ेगा पूरा सेट, ठीक है। तो चलो मार्केट से लाता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ। और मैंने चेकअप किया, जो बैलेंसर ख़राब हो गया है और हम लोग का सीजर गियर भी ख़राब हो गया है। तो फिलहाल इस बाइक में हम लोग अटैच करेंगे न्यू बैलेंसर और न्यू सीजर गियर। तो चलिए, मार्केट से मैंने लाया है ये हम लोगों का, जैसे कि आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो गाइस, ये है देखिए बैलेंसर असेंबली लिखा हुआ है और ये हम लोग का सीजर गियर है। तो यहाँ असेंबली गियर बार लिखा हुआ है। तो चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ बैलेंसर किसका नाम है। तो गाइस, यहाँ हम लोगों का बैलेंसर इसका नाम है, ठीक है। तो इसे हम लोग बैलेंसर बोलते हैं, काफ़ी सारे मैकेनिक क्या करते हैं बैलेंसर इसे बोलते हैं, बैलेंसर इसे बोलता है। तो बट इसका नाम है सीजर गियर और बैलेंसर ये। तो हम लोग न्यू इंस्टॉल करेंगे गाइस, ठीक है। और हमारा पुराना आपको दिखाता हूँ जो सीजर गियर का पोजिशन क्या है। देखिए पोजिशन हम लोगों का किस तरह से, जैसे कि पूरा ढील हो चुकी है और ये नया वाला देखिए एकदम कहीं हम लोगों का कुछ ढीला भी नहीं है और जिसमें कि टाइट फिटिंग है। तो इससे क्या होता है, साउंड क्वालिटी ख़राब आता है पुराना में अगर हम लोग फिटिंग कर दें, और इससे साउंड क्वालिटी बेहतर आता है। बट हम लोगों का जो बैलेंसर है, बैलेंसर में हम लोग चलते चलते स्क्रैच आ जाता है, घाट आ जाता है, इसका कारण नया लगाने के बाद भी हम लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है सीजर गियर, ठीक है। अब हम लोग चेंज करेंगे बैलेंसर, ये बैलेंसर नया है और ये पुराना है। तो गाइस, जैसे कि बैलेंसर फिटिंग करने से पहले हम लोगों को पिस्टन टॉप में करना पड़ता है। तो यहाँ जेबीडी पिनियम में एक मार्किंग है देखिए। तो गाइस, यहाँ देखिए जेबीडी पिनियम में एक मार्किंग है और चैम्बर में एक मार्किंग है। तो दोनों पॉइंट को अगर हम लोग जैसे कि एक दूसरे के साथ संपर्क करें तो ऑटोमेटिक पिस्टन टॉप में चल जाता है। अब यहाँ टॉप हम लोगों को जैसे कि ऑटोमेटिक हो चुकी है। अब हम लोग जैसे कि बैलेंसर फिट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग बैलेंसर लगाएंगे। तो गाइस, मार्केट में मैंने देखा इस बाइक का बैलेंसर अलग है और इस बाइक का बैलेंसर अलग है, बट काम करेगा क्योंकि मैंने और भी काफ़ी सारे बाइक में लगाया है। इसमें थोड़ा घाट दिया जाता है और इसमें घाट नहीं है। इसका वेट थोड़ा ज़्यादा भारी है और इसका थोड़ा हल्का है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि मैंने 19 इसका दांता है 19 और इसका भी दांता है 19 और बैरिंग का मॉडल नंबर फिलहाल मैंने नंबर नहीं देखा।
और बैरिंग का सब कुछ साइज एक है और यहाँ भी साइज एक ही है। तो चलो इसे फिटिंग करता हूँ किस तरह से, वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। चलिए इसको हम जिस हिसाब से मन उस हिसाब से लगा सकते हैं गाइस, ठीक है। ये ऑटोमेटिक लग चुकी है, अब हम लोग लगाएंगे जिसमें कि एक पत्ती हमने फिटिंग कर दिया है। अब बैलेंसर हम लोग का एकदम फिटिंग हो चुकी है। अब यहाँ देखिए एक पॉइंट है इस जगह पर, ये कलर लगा हुआ है, ये नहीं, ये पॉइंट, ठीक है। तो ये कलर लगा है और पॉइंट है, आप लोगों को दिखाता हूँ। नीचे भी एक पॉइंट है। तो गाइस यहाँ देखिए एक पॉइंट है चेंबर पर, ये वाला पॉइंट को हम लोगों को लगाना है जिसमें कि ये इस पॉइंट के साथ संपर्क में आया है। तो अभी फिलहाल छोड़ देता हूँ। अब गाइस हम लोग जैसे कि रोटेट करेंगे तो किस तरह से हम लोग रोटेट करें, काफ़ी सारे मैकेनिक यहाँ गलती कर देते हैं, उल्टा सीधा होता है। अगर इस तरह से हम लोग घूम करें तो नहीं जाएगा, जोर लगता है। इस तरह से अगर करें तो हम लोग आ जाता है, ठीक है। तो इसको कितना पाक में रखे आप लोगों को बताता हूँ। अभी मान लीजिए इस पोजीशन पे है, एक दो, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ देखिए एक दो, आप लोगों ने क्या देखा, दो पॉइंट करके मैंने यहाँ रखा है और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये वॉशर हम लोग डालेंगे। अब डालने के बाद इसको हम लोग थोड़ा पॉइंट में करके रखेंगे और हम लोग जो बैलेंसर है, सीजर गियर है, इसको थोड़ा हम लोग जैसे कि लगाएंगे, बस इस हिसाब से, ठीक है। अब यह नहीं जा रहा है, थोड़ा हम लोगों को मार्तुल लेके थोड़ा इसको थोड़ा हम लोगों को सीधा करना पड़ेगा, तभी जाएगा। बस ये जा चुकी है गाइस, ठीक है। अब देखिए हम लोगों का रोटेट हो रहा है। अब हम लोग इसको पॉइंट को ठीक जगह में रख देंगे। नीचे मुझे देखने दीजिए, बस एकदम बराबर सब कुछ सही है, इसी हिसाब से रखना है। और इस पॉइंट को भी मैंने मिला दिया है। अब चलो बाकी का प्रोसेस आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस हाउजिंग हम लोग फिटिंग किस तरह से करें, तो हाउजिंग अगर हम लोग जैसे कि भरे तो दिक्कत होगा। थोड़ा इसको ई कर लेता हूँ, बैलेंसर को एक बार सेटिंग कर, बस इसी पोजिशन में जाएगा। अब यहाँ देखिए हम लोग का हाउजिंग नहीं जा रहा है, ठीक है, नहीं जा रहा है, ज़बरदस्ती नहीं चलना पड़ेगा। और यहाँ हम लोग का ऑयल पंप है, ऑयल पंप को थोड़ा हम लोग को मूव कराना है, बस हिल रहा है, अभी भी नहीं जा रहा है। तो दूसरा स्टेप जो है गाइस, इसको थोड़ा हम लोग इस तरह से चाड़ेंगे, बस चला गया है, ठीक है। और इसको हम लोग भर देंगे, बस ये हम लोग का सीजर गियर और सब फिटिंग हो चुकी है। उसके बाद डालेंगे एक वॉशर, उसके बाद डालेंगे हम लोग क्लच असेंबली, बस गियर में है ना। बस हाउजिंग टाइट हो गया है, अब हम लोग लगाएंगे स्प्रिंग। इस स्प्रिंग को हम लोगों को चारों तरफ हाथ से देख लेना है, कहीं अगर बड़ा हुआ रहता है तो उसे ठीक करें। बस तो गाइस अब हम लोग बैलेंसर पुलर को हम लोग टान लिया है, अब वॉशर डालेंगे और उसके बाद ये वाला कैप लगाएंगे। अब इस कैप को हम लोग लगाएंगे आसानी से, इसमें कोई हम लोग का कटिंग ग्रुप नहीं रहता है। चलो अब डालेंगे हम लोग क्लच बूस्ट, ठीक है, बस जा चुकी है। अब चेंबर फिटिंग करेंगे। यहाँ पर देख लिए स्प्रिंग और हम लोग का क्लिप सही से है कि नहीं, ठीक है, और पैकिंग मेरा सही है, पैकिंग अगर खराब रहे तो नया डाल दीजिए। तो चलिए चलिए इंजन ऑयल डालते हैं।
अब आप लोगों को दिखाता हूँ बाइक में साउंड क्वालिटी कैसा आ रहा है। तो बंद करते हैं और साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतर आया है। अब आप लोगों को दिखाता हूँ जो बाइक में पहले साउंड कैसा आ रहा था, वो साउंड देखिए तब आप लोगों को पता चलेगा। तो पहले का साउंड अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो गाइस पहले का साउंड आप लोगों ने क्या देखा, इससे काफ़ी ख़राब आप लोगों को देखने को मिला। तो यही था वीडियो बनाने का मकसद, जिसमें कि आप लोगों को कुछ काम में आया और कुछ मदद मिले। तो सीजर गियर हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब हो जाता है, इसका कारण ऐसा रीजन होता है। तो गौर कीजिएगा जब भी इंजन बनाएं सीजर गियर और जैसे कि हम लोगों का बैलेंसर, ये दोनों चेंज करने का कोशिश करें, वरना आपका नाम ख़राब हो जाएगा। और जैसे कि कस्टमर बोलेगा कि हमने 4,000-5,000 रुपये खर्चा किया और जैसे कि इंजन का साउंड बेहतर नहीं आया। तो आप लोगों को इंजन का काम कराना है क्या क्या, मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें कि होता है कनेक्टिंग रॉड, वाल्व, मेन बैरिंग, क्लच असेंबली, टाइमिंग चेन, और इस बाइक में फिलहाल सीजर गियर और बैलेंसर, ये सब चीज़ चेंज करेंगे तो ही आपका काम बनेगा। और नया ऑयल सील किट देना पड़ेगा और पैकिंग किट देना पड़ेगा, तभी आप लोगों का काम बनेगा। तो गाइस यही था वीडियो। गाइस वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जुड़ा रहिए सजीर बाइक गुरु यूट्यूब चैनल के साथ।